अगर सरकार कर्ज से उबरने के लिए सोच रही है, जनता के लिए सोच रही है, क्या टिप्स लेंगे आपके साथ, सरकारें तो लेंगे ठीक है। आनंद जी, हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर विकास जी की बातों से मैं सहमत हूँ कि एक व्यक्ति मोंटेंग सिंह जी वो मेरे ख्याल से नैया पार नहीं लगा सकते। और आज का स्लोगन भी आपका बड़ा अच्छा है कि कर्ज में डूबी सरकार आलू वालिया लगाएंगे नैया पार। एक व्यक्ति शायद किसी भी प्रदेश की नैया पार नहीं करा सकता। लेकिन ये सच्चाई अगर हम मोंटेंग सिंह आलू वालिया के बारे में जानना चाहें तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1968 में अपने कैरियर की शुरुआत वर्ल्ड बैंक से की थी। 1980 से लेकर आज तक जितने भी देश में आर्थिक सुधार हुए उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोंटेंग जी की भूमिका हर जगह रही है। ये वित्त आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काफी लंबे समय तक वित्त सचिव भी रह चुके हैं, उनके योजना आयोग के सचिव भी रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर है। और इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं इसी कारण से तो 2011 में इनको पद्म विभूषण मिला है। यानी व्यक्ति तो ये लाजवाब है और व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जो ये है मध्य प्रदेश में क्या कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश की हालत इस तरह खस्ता हाल है। एक लाख सड़सठ हजार का कर्ज है, लेकिन उसमें सोचने वाली बात है कि उसमें से केवल 13,600 का जो कर्ज है वो कमलनाथ सरकार ने लिया। इसके पुराना जो भी कर्ज था वो कहीं ना कहीं पूर्व सरकार का था। इस बात से मैं श्यावर जी से भी सहमत हूं कि इन्होंने जो बात रखी प्रवक्ता कांग्रेस की इन्होंने सही बोला। दूसरी चीज, आलू वालिया जी 18 फरवरी को जो भोपाल आएंगे तो मेरे ख्याल से ये कुछ ऐसे काम करेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी का ये वादा है कि हम बिना कर बढ़ाए बिना किसी अतिरिक्त बोझ के हम कैसे अपने मध्य प्रदेश में आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम रोजगार क्षेत्र में, हम कर्मचारियों के क्षेत्र में किस प्रकार से और हम उपलब्धि हासिल करें। तीसरा, अगर रियल एस्टेट में जो प्रस्ताव होंगे कि रियल एस्टेट में हम कैसे उसको बढ़ोतरी करें और रजिस्ट्री के द्वारा राजस्व बढ़ाएं, खेती को हम कैसे लाभ का धंधा बनाएं। इसके अलावा ऐसे कौन से हम प्रोजेक्ट लाएं जिसके माध्यम से सरकारी राजस्व बढ़े बिना किसी अतिरिक्त कर के। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि अभी शावर आलम साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि 1992 में और 2008 में देश में एक बहुत बड़ी मंदी आने से बच गई। वर्ल्ड में बहुत बड़ी मंदी थी लेकिन देश में आने से बच गई। लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे वो उसके पीछे थे। वाकई में नेतृत्व तो उनका था लेकिन उनके पीछे मोंटेंग सिंह आलूवालिया जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने भी देश को आर्थिक मंदी से बचाया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि फरवरी माह में मध्य प्रदेश का बजट भी आने वाला है, तो बजट के पहले मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ अगर मोंटेंग जी एक मीटिंग कर लेंगे और उनके साथ एक सेमिनार टाइप का कुछ कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आर्थिक मंदी में जो अभी मध्य प्रदेश है शायद उबरने में उसको मदद मिलेगी। बिल्कुल, इसमें बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, विकास बोंद्रिया जी, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि जाने माने, देखिए जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनको अनुभव है, अगर वो अपने अनुभव का लाभ इन्हें देना चाहते हैं, सरकार लेना चाहती है, तो फिर उसमें क्यों आपत्ति हो रही है? ठीक है आनंद जी, क्या आपको भी लगता है हाइप क्रिएट की जा रही है? अगर सलाह लेनी आप चुपचाप भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आलू वालिया जी आ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैं विकास जी की बात से भी इसलिए सहमत हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी एक अधिकारी को अगर आलू वालिया जी समझा के जाएंगे, मालूम ही नहीं कि उसका कितने दिनों बाद ट्रांसफर हो जाए। किस किस को समझाएं? विगत 1-1.5 साल में ट्रांसफर की जो श्रृंखला है वो रुक नहीं रही। वित्त विभाग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट थे। लेकिन इस बार मैं सहमत हूं कि जो कांग्रेस सरकार कर रही है, मेरे ख्याल से प्रयास कर रही है, बस ये प्रयास सार्थक होना चाहिए क्योंकि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। देश गुजर रहा है तो प्रदेश भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। देश को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए अभी कुछ समय पहले मोदी जी ने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया कि वो क्या सुझाव दे रहे हैं, वो भी सुने उन्होंने, बट बजट में उनके जो सुझाव थे कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं दिखे। और बहुत सारे लोगों को तो इस बार का बजट समझ में नहीं आया कि बजट था क्या केंद्र का। लेकिन मुझे अच्छी चीज कांग्रेस की कि अपने बजट के पहले कांग्रेस ये पूरी प्रस्तावना रख रही है, लोगों का पूरा माहौल क्रिएट कर रही है, आलूवालिया जी को बुला के अपने वित्त विभाग को समझाइश दी जा रही है कि हमारा जो बजट है इस बार कुछ अच्छा बजट आए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है उस कर्जों को बोझ के कम करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट आहुती चढ़ गया उसी प्रकार से इस प्रकार जो मोंटेंग जी यहां पर बोले वो भी मेरे ख्याल से आहुती न चढ़ जाए। कहीं ना कहीं उस उनके जो सुझाव है उसको धरातल पर लाना बहुत जरूरी है। इस काम में कांग्रेस को और बीजेपी को साथ मिलकर मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है।